Assalamu alaikum my dear students. Today we will learn grammar lesson number 11. These, that, these, those. We use these, that, these and those to point to thing or people near or far from us. हम ये धीस दैट धीस दोस का कब यूज़ करते हैं? जब किसी चीज़ को हमको पॉइंट करना है जो हमारे पास भी है और जो हमारे दूर भी है. अंडरस्टूड? लेट्स सी कैसे. नंबर वन, वी यूज़ धीस एंड दिस टू टॉक अबाउट थिंग और पीपल नियर अस. हम जो हमारे जो पास है उसके लिए हम धीस, टी एच आई एस धीस और टी एच ई एस ई धीस का यूज़ करेंगे. तो ये लड़की कैंडी खा रही है, कैंडी उसके पास है, तो हम क्या बोलेंगे? धीस इज अ कैंडी. वी यूज़ धीस टू टॉक अबाउट वन थिंग और पर्सन. हम जब हमारे जो पास है जो एक चीज़ के बारे में या एक पर्सन के बारे में हम बात करते हैं तो टी एच आई एस वाला धीस आएगा. अंडरस्टूड? और एक बार सुन लो, अगर कोई चीज़ हमारे पास है और वो एक चीज़ है, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो टी एच आई एस वाला धीस आएगा. दीज आर बलून्स. वी यूज दीज टू टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग और पर्सन. देखो ये बलून से इतने सारे है, मतलब थ्री है, तो हम टी एच ई एस ई वाला धीस लगाएंगे. जब हम हमारे पास हो एक से ज़्यादा चीज़ हो तो उसके लिए हम टी एच ई एस ई वाला धीस लगाएंगे. जैसे कि ये गर्ल के पास बलून है, बलून तो उसके पास है पर एक से ज़्यादा है, इसीलिए टी एच ई एस ई वाला धीस लगा. अंडरस्टूड? नाउ एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 47. चूज द करेक्ट वर्ड. जो ग्रैंडमा है वो पोस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या बातें करते हैं, सुनो. हाय ग्रैंमा. हेलो पोस्ट. वेलकम टू माय टेंट. इज माय बैक पैक. डैश इज माय कंपास. डैश आर माय रॉक्स एंड हुक्स. मतलब अभी हमको देखना है धीस लगाना है या दैट लगाना है. उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको चूज करना है. डैश इज माई बैक पैक. बैक पैक कहाँ होता है? या तो हमारे पीछे या तो हमारे आगे, जो हमारे पास होता है और एक ही होता है तो उसके आगे क्या लगेगा? धीस. यस, टी एच आई एस धीस. ये टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से ये डैश इधर आ गया पर ये राइट आंसर है. फिर डैश इज माई कंपास. कंपास कहाँ होता है? हमारे पास, तो उसके लिए क्या आएगा? दिस, टी एच आई एस वाला दिस. डैश आर माई रोप्स एंड हुक्स. रोप्स एंड वो हुक्स भी हमारे पास होती है पर एस लगा, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ होगी. तो मैंने क्या बताया था? एक से ज़्यादा चीज़ हमारे पास होगी तो उसके लिए हमको टी एच ई एस सी वाला दिस लगा देना है. अंडरस्टूड? ये डैश टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से इधर उधर हो गई है पर आंसर इसमें टी एच आई एस दिस आएगा, इसमें भी टी एच आई एस दिस आएगा और इसमें टी एच ई एस सी वाला दिस आएगा. मैंने आपको समझाया कैसे वो आ सकता है. अंडरस्टूड? नाउ रूल नंबर टू, वी यूज दैट एंड दोस टू टॉक अबाउट थिंग और पीपल दैट आर फार अवे फ्रॉम अस. अगर हम हमारे से बहुत दूर जो चीज़ होती है उसके लिए हम दैट एंड दोस यूज़ करते हैं. दैट इज मंकी. वी यूज़ दैट टू टॉक अबाउट वन थिंग और पर्सन. हम जब एक चीज़ के बारे में जो हमसे दूर है उसके बारे में एक चीज़ के बारे में अगर बात करेंगे तो दैट आएगा और जो हमसे दूर है उसके बारे में जो ज़्यादा है उसके बारे में बात करेंगे तो दोज आएगा. दोज आर बनानाज. वी यूज दोज टू टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग और पर्सन. अगर हम हमारे से दूर है और एक से ज़्यादा चीज़ है उसके लिए हम टी एच ओ एस ई दोज लगाएंगे. अंडरस्टूड?
देखो और एक बार हम हमसे दूर है और एक चीज़ है तो हम ठेठ लगाएंगे, हमसे दूर है और दो चीज़ मतलब एक से ज़्यादा चीज़ है तो हम दोस लगाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ एक्सरसाइज बी, सर्कल द करेक्ट वर्ड। लुक, चिट्टी, चिट्टी और उसके उसका फ्रेंड पोस्ट, वो दोनों ट्री के ऊपर बैठे और बैठ के सामने वाला जो व्यू है वो देख रहे हैं। लुक चिट्टी, देयर आर द विंध्या माउंटेन्स, कैन यू सी अ सिल्वर लाइन इन द लेफ्ट, देयर इज वाटरफॉल। देखो उसने दूर से बोला और माउंटेन्स एस लगा, एक से ज़्यादा चीज़ है और दूर है, तो क्या आंसर आएगा? दोज, यस। एंड डैश इज वाटरफॉल, वाटरफॉल तो एक ही होता है पर वो दूर है तो क्या होगा? दैट। अंडरस्टूड? नाउ एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज स्टोरी बुक, डैश इज अ बिग एयरप्लेन, डैश आर माई न्यू सनग्लासेस। स्टोरी बुक पास है तो क्या आएगा? दिस। फिर एयरप्लेन, एयरप्लेन तो दूर होता है और एक ही एयरप्लेन है तो आंसर आएगा दैट। और सनग्लासेस मतलब दो है तो दिस आएगा। अंडरस्टूड? रेस्ट ऑफ ऑल ब्लैंक्स डू इट बाय योरसेल्फ। और एक बार मैं समझा देती हूँ आपको, अगर चीज़ पास है और एक है तो टी एच आई एस दिस आएगा, चीज़ पास है और एक से ज़्यादा है तो टी एच ई एस ई दिस आएगा, फिर चीज़ दूर है और एक है तो टी एच ए टी दैट आएगा, चीज़ दूर है और एक से ज़्यादा है तो टी एच ओ एस ई दोस आएगा। आपको ये रूल अपने दिमाग में बिठा लेना है। अंडरस्टूड? थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।